और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारो, तू जवाब दे। बड़ी नहीं हुई कि तू थप्पड़ मारे, तू जवाब दे। बेटी जिसको तू थप्पड़ मारने की बात कर रही है ना, वो तेरे पूरे खानदान को लेगा। इतने दिन हम जिंदगी में पैसे देखे नहीं होंगे ना उसके, तो वो एक महीने में दान कर देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को, आ खड़ा हूँ ना, 36 पुश्तें लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में। मेरे गुस्से में मत जा, तू थप्पड़ मारेगी मेरे को। इतनी बड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को, हाथ लगा के दिखाइयो साला, काट नहीं दिया ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही सीरियस रोस्टिंग का बाप होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, डिस्क्लेमर, ये वीडियो 18 प्लस होने वाला है, तो जिस किसी के भी कान गाले सुनने में असमर्थ है तो वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। और हाँ, एक और बात, जो भी चोमू टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फैन है तो वो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट ना करें, वरना यूट्यूब फैन सुन के चूची मार लेंगे। बिग बॉस टीवी इंडस्ट्री का वो चूतिया शो है जिसमें लोगों से चाहे कितनी ही वोटिंग करा लो पर जीतती हमेशा बड़े घर की बेटी ही है। नेपोटिज्म, इट्स माय टैलेंट। अगर तुम फेमस यूट्यूबर हो और बिग बॉस में जा रहे हो तो तुम सबसे बड़े चूतिया हो, और अगर बिग बॉस में तुम्हारी रैंक पहली और दूसरी है तो तुम सबसे बड़े चूतिया हो, क्योंकि बिग बॉस वाले तुम्हारा यूज सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री वालों की गांड तुमसे वैसे चलती है कि एक बंदा 4x4 के मकान से वीडियो बनाकर आखिर इतना फेमस कैसे है। वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अब उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, वो भी यूट्यूबर ही। तो आओ यार, नेपोटिज्म की जलती हुई गांड में थोड़ा सा और घी डालते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। And if you go through my YouTube channel, you'll realize मेरे को different content करना पसंद है। मैं एक genre में सिर्फ like content नहीं करता। So this was the reason जब मैंने ये तो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज़्यादा भरी हुई है। अबे चल, हवा भरी हुई है। अबे बीपी न्यूज के सूखे पे जितने तूने अपनी जिंदगी में न्यूज नहीं बताया कि ना, उससे लाख गुना ज्यादा तो इसने रुपए की रुपए कर दिए अपनी वीडियो में। पहले खुद की खाली पानी पूरी में तो हवा भर ले, आया बड़ा हवा का शोर। रहना पड़ेगा मेरे आगे। हाँ, नहीं तो पेड न्यूज बताने वाला। नकली हवा भरा, निकल लौड़े। बिग बॉस वाले बोल रहे हैं कि इस बार जनता असली है बॉस, यानी कि जनता निर्णय करेगी। इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी। तो आज इस रोस्ट वीडियो में रोस्ट भी जनता ही करेगी। तो इसने फुकरेनसन को क्या बोला था, और जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। तो चलो इसकी इंस्टाग्राम की पहली पोस्ट के कमेंट पढ़ते हैं कि लोगों ने इसे क्या प्यार दिया है। तेरी हवा निकालू क्या हलवे, अबे निकली एंकर हवा निकली क्या तेरी, ये तुम लोग देख लेना भाई क्या आ रहा है। अब तेरे में हवा भरी है क्या साले बुड्ढे, रिपोर्ट करो सब इसको, निकाल दो बुड्ढे की हवा। तेरे में क्या है, झाट भी नहीं होंगे तेरे तो, बीएसडी के नकली हवा। ये बुड्ढा फुकरा भाई के बीच में बहुत बोलता है वो, ये तुम लोग पढ़ लेना। खुद को क्या समझता है बुट्टे, तू घर में ही रहा कर, ये अपनी तख्ती जुबान बाहर मत निकाला कर। अबे नकली हवा साले, इस चूतिए ने लोड को नंबर 2 से 10 पर कर दिया। देख रहे हो YouTube के फैन बेस का गुस्सा। यूट्यूबर्स आर द फ्यूचर मैन। बड़ी आपके फादर आए हैं। पर हुआ क्या कि इस बंदे ने, अब ये है कौन ये तो मैं भी नहीं जानता, इसने फुकरा इंसान से सवाल पूछा और बीच में ही फुकरा इंसान ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब भाई तुम बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, वो भी सलमान भाई के साथ, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। ये एक्साइटमेंट है वैसे, हवा नहीं। अरे भाई नकली हवा तो बोलेगा ही ना, फुकरा इंसान की रैंक फर्स्ट जो आई है और उन वोटिंग के बेसिस पर जनता ने आपको एक रैंकिंग दी है, तो आइए देखते हैं। फुकरा इंसान एक पर है, अब बंदा एक नंबर पर है और उसमें किसी चीज की कमी भी नहीं है, और बिग बॉस तो नेपोटिज्म पर चलता है ना। पहले नंबर पर किसी अमीर बाप की बेटी को लाने के लिए ही ये नकली हवा की बकचोदी की गई है, और जिस तरह की हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। तो चलो देखते हैं कि बाद में पहली रैंक पर किसे रखा गया है। लवी डाली पूजा, आपको मिलते हैं पूरे 1,50,000 पूजा भट्ट। अब ये कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इसके लिए मेरे पास बोलने के लिए बस एक ही चीज है, अबे हट।
अबे तू पूजा भट्ट को नहीं जानता? अबे नहीं जानता। अबे ये आलिया भट्ट की बहन है पूजा भट्ट। उस समय पहले तूने न्यूज नहीं सुनी थी क्या? डायरेक्टर महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट की बेटी है आलिया भट्ट। हैं सच बता? हाँ, यहाँ तक कि डायरेक्टर महेश भट्ट ने तो ये भी बोला था कि मेरी अगर ये बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। अबे इन सब को छोड़, मतलब आई तो ये पहली रैंक पर नेपोटिज्म के कारण ही है। तो चलो देख लेते हैं कि बिग बॉस में पहली रैंक पर आने पर लोगों ने इन्हें क्या प्यार दिया है इंस्टाग्राम पर। गाइस थोड़ी देर के लिए गालियां दो फॉलो करके बाद में अनफॉलो कर देना। बुड्ढी साली नेपोटिज्म की ये भी तुम लोग पढ़ लेना। नेपोटिज्म की वजह से बिग बॉस में जाकर तू खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझ रही है बुड्ढी। औकात से बाहर जा रही है बुड्ढी। फ्री की भीख मिल गई बिग बॉस ने आने की। अबे बुड्ढी नेपोटिज्म की पैदाइश, करियर खत्म है आंटी, निकलो अब चलो बिग बॉस में। काम ऐसा करो कि चार लोग गाली दें। एक टांग कब्र में है और इनको बिग बॉस में जाना है। जा भट्ट, आप सलमान की हाटू बुड्ढी। पहले बुड्ढी को फॉलो करो, फिर कमेंट करो, फिर अनफॉलो कर दो, सिंपल। कमेंट सेक्शन में तो इस बुड्ढी इसके लिए बहुत ही पारिवारिक माहौल है। दूसरे नंबर पर जिस यूट्यूबर के साथ बिग बॉस ने सबसे बुरा काम किया है वो है पुण्य सुपरस्टार। बिग बॉस ओटीटी के इतिहास में पहली बार इंटरनेट, अब जानते हैं इस बार जनता है असली बॉस। देखते हैं कि आपकी जनता की रैंक क्या है। अरे नंबरों पे हो आप, आया 1,35,000 बिग बॉस करेंसी। तुम्हारे कंटेंट को भाई ने क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती। नंबर दिया जाए जो तेंदुलकर के साथ जुड़ा रहे तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में आपको रखनी चाहिए। क्योंकि आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं। गुस्सा रहा आपको? नहीं नहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा सर। हैरानी है? नहीं बिल्कुल नहीं। सेकंड नंबर की लेन चाहिए, नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई, क्योंकि अगर तुमने पुलिस सुपरस्टार के साथ नाइंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। भाई इस बंदे को बिग बॉस वालों ने एक दिन में घर से बाहर निकाल दिया, वो भी तुम लोगों को पता है किस कारण से? बिग बॉस मुझे ये बताओ कि बिग बॉस वालों ने इसे जब शो पे बुलाया है तो इसका कंटेंट देखकर ही तो बुलाया होगा ना। अब भाई इसका यही कंटेंट है तो अंदर जाके यही तो करेगा ना, किसी को गाली या मारपीट तो कर नहीं रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो खुद के साथ ही कर रहा है। वो नंबर दिया जाए जो तेंदुलकर के साथ जुड़ा रहे तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में आपको रखने की। क्योंकि आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं। भाई बंदे के साथ ऐसा काम करोगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जनता द्वारा चुनी गई दूसरी रैंक से तुम लोगों ने उसे 10वीं रैंक पर कर दिया। एक तो तुम लोगों ने उसे अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाया और उसमें भी तुम नेपोटिज्म की गान मस्ती कर रहे हो। मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया, यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास, ठंड में सोया हूँ मैं रात को कंबल में ठंड में। और जिन लोगों का भी ये साजिश है ना उन लोगों को उनकी औकात पता लगेगी, सालों तुमसे भगवान बदला लेगा, भगवान तुम लोगों को सुलाएगा रात को ठंड में और तुम्हारे बच्चों को भी। बंदे ने एक दिन के अंदर अंदर पूरे बिग बॉस की बुंड फाड़ के रख दी, पूरे बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया। इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। इसके बाहर निकलते ही लोगों ने जो जियो सिनेमा और बिग बॉस के साथ किया है वो तुम लोग खुद ही देख लो। पुनीत ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। आज ये तो साबित हो गया कि अगर तुम जनता को छेड़ोगे तो जनता चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो वो उनकी फाड़ ही देगी। लोगों ने सलमान खान तक को नहीं छोड़ा। चलो तुम लोगों को उनकी इंस्टाग्राम की पहली पोस्ट के कमेंट पढ़ाता हूँ। अबे दल्ले ऑफ बॉलीवुड महेश दल्ले, उकरा इंसान बाप है तेरा, सलमान खान मां, तुम लोग पढ़ लेना। डिसरिस्पेक्ट बटन ऑफ फॉर सलमान खान मां, ये भी तुम लोग पढ़ लेना।
पुनी थी सलमान खान बाप बटन, बिग बॉस डिसलाइक बटन, ये भी आ रहा है वो देख लेना भाई तुम लोग। मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, तो अब वो उनकी समझ है। सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन, नहीं क्या मैंने देखा तो। कंटेंट को क्रिंज भी कौन बोल रहा है, जिस बेटी के खुद के गानों में माँ बहन की गालियां भरी हुई होती है, और भी क्या क्या बोलूं इसके बारे में, तू लोग खुद ही देख लो। ये बेटी पिछले बिग बॉस में विनर के आओगे तो ये खुद को सुपर स्टार समझने लगी। पुनी सुपरस्टार एक दिन क्या रह के आ गया, इस बस्ती की अस्थि उड़ा दी। उनके 4 लाख कुछ अराउंड फॉलोवर्स थे, अभी आप देख सकते हो 1.4 मिलियन फॉलोवर्स है। कितना तेजी से उनका फॉलोवर्स बढ़ रहा है आप देख ही सकते हो सोशल ब्लेड का ये स्टैट्स। और उस तरफ एमसी स्टैन बहुत सारे फॉलोवर्स लूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो 17 तारीख को जो उनके 11,000 फॉलोवर्स कम हो गए थे, 18 तारीख को 14,000 फॉलोवर्स, 20 तारीख को 44,000 फॉलोवर्स। इस बार बिग बॉस ओटीटी में पूरे 12 कैंडिडेट है। अब वो बात अलग है, 2 के अलावा मैं किसी को लौड़ा नहीं जानता। ये छोटे छोटे चूजे और चूजियां बिग बॉस में फेम पाने आए हैं। अब इन्हें क्या पता था कि एक बंदे के कारण इनके कमेंट सेक्शन में गालियां बढ़ जाएंगी। तो ठीक है यार, वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि खेलना है तो अच्छे से खेलो, नेपोटिज्म की बकचोदी को बीच में मत लेके आओ। तुम लोग यूट्यूबर्स को बस चूतिया समझते हो, बल्कि यूट्यूबर ही आने वाला भविष्य है। तुम्हारी मूवी और शो को जरूर लोग टाइम पास के लिए देखते होंगे, पर लोग यूट्यूब को यूट्यूबर्स के कारण देखते हैं। यूट्यूब लोगों का इमोशन है। जाते जाते मैं एक बात और बोल जाऊँ, हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है, गांड में दम है तो रोक के दिखा दो। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं तुम लोगों से ऐसी नई वीडियो में, तक ले बाय बाय।